पुलिस की कस्टडी में दिख रहे ये तीनों लोग दरअसल नाला सोपारा फ्लाईओवर ब्रिज पर रोहित हत्याकांड मामले के आरोपी हैं। इनके नाम हैं नीलेश गंगाधर पुजारी, पंकज अशोक बोरीचा और नीलेश राय साहब सिंह। आपको बता दें कि घटनाक्रम नाला सोपारा ब्रिज पर फ्लाईओवर ब्रिज पर लगभग 4:15 बजे हुआ था और इस पूरे घटनाक्रम में रोहित यादव जो नाला सोपारा पूर्व के संतोष वन का रहने वाला था उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में विवाद बहुत छोटा सा था लेकिन मामले ने तूल पकड़ा और मारपीट धीरे धीरे जानलेवा मारपीट में बदल गई और इस पूरे घटनाक्रम में रोहित यादव की मौत हो गई। इस बारे में नाला सोपारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को बीते 8 घंटे के अंदर ही अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ और पुलिस ने इस पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को मुंबई के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो आइए जानते हैं पुलिस इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई की है और पूरा प्रकरण पुलिस की जुबानी ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, पूरा घटनाक्रम और दरअसल रोहित यादव की किन परिस्थितियों में मौत हुई है। दिनांक 9/7/23 तारीख को कंप्लेनेंट जो है विकेश चौधरी और उनका दोस्त रोहित यादव ये मोटरसाइकिल से नाला सोपारा वेस्ट से ईस्ट में जा रहे थे। उसी वक्त आरोपी जो है वो एक मोटरसाइकिल पे तीन वो भी वेस्ट से ईस्ट जा रहे थे। जब भी ओवरब्रिज पे ट्रैफिक जाम था तो उनका ओवरटेकिंग में से मिरर उनके दोनों के बाइक का मिरर आपस में लग गया। उसमें से उनका झगड़ा हो के आरोपी लोगों ने गाड़ी के पीछे बैठा जो रोहित यादव है उसको और कंप्लेनेंट विकेश चौधरी इन दोनों को हाथापाई हुई इनमें और उन्होंने मारा। उसमें एक जो रोहित यादव है उसको थोड़ा गंभीर स्वरूप से चोट आई, उसको वहाँ पे अनकॉन्शियस बेसुध स्थिति में वहाँ पे गिरा था। उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वो कंप्लेंट दाखिल यहाँ पे नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई कंप्लेंट मर्डर केस की। तो उसके बाद हमारे जो पुलिस आयुक्त जो है अपर पुलिस आयुक्त और हमारे धोनत्री के DCP सुहास बावचे सर, यहाँ के जो सीनियर PI विलास सुपे साहब है, क्राइम PI राहुल सोनो ने, डिटेक्शन ऑफिसर जो APM पंडित मस्के, API अमोल तळेकर, ASI मंगेश चौहान, पुलिस हवलदार किशोर धनु, हिरालाल निकुम, पुलिस नायक तटकरे, पुलिस नायक अमलदार नाटुलकर, प्रेम घोड़ेराव, जगदीश बोरसे, जगदाळे, हेड कॉन्स्टेबल ढोने और हमारे जो MSF के जवान हैं, इन्होंने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो आरोपी की गाड़ी और उनको ढूंढ लिया। उसमें से एक आरोपी जो है मेन नीलेश पुजारी वो मुंबई भाग गया था, उसको वर्ली से हमारे स्टाफ ने जाके वहाँ से अरेस्ट कर दिया और उसके इंफॉर्मेशन पे पंकज बोरीचा और नीलेश सिंह ये दोनों को आरोपी को भी अरेस्ट कर दिया है। इनको आज कोर्ट में पेशी कर दी गई तो उनको 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिला हुआ है। सर आरोपी रहने वाले कहां के थे? ये रहने के लिए नाला सोपारा ईस्ट में संतोष भवन वो एरिया से है। पहले भी कोई मामले अभी तक उनके ऊपर ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है। उसमें से जो आरोपी दो आरोपी है नीलेश पुजारिया और पंकज बोरीचा वो BMC में जो दवा मारते हैं उसमें काम करते हैं और नीलेश सिंह जो है वो कैटरिंग का व्यवसाय करता है। छोटे से विवाद में ये हत्या तक कैसे पहुंच गया, किस तरीके से उसको मारा गया, कैसे उसकी मौत हुई? उसको ये आपस में ओवरटेकिंग के बाद मिरर लगने के बाद उनको आपस में पहले बोलचाल हो गई, उसमें हाथापाई हुई, उसमें उसको गंभीर तौर पर से चोट आ गई है।